नमस्कार, मैं हूं शुभे मिश्रा और आप देख रहे हैं बहस बिहार की। शराबबंदी वाली प्रदेश में बिहार में शराब से मौत का सिलसिला बदस्तूर जारी है। सारण सिवान के बाद अब गोपालगंज से भी जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत की खबर आ रही है। एक तरफ चीख पुकार और उसके बाद एक्शन में सरकार, कुछ जिम्मेदार लोगों को निलंबित भी किया गया। छापेमारी लगातार जारी है, लेकिन सवाल उन घरों का है, उन परिवारों का है जिनकी चिराग बुझ चुके हैं। बिहार में एक बार फिर से जहरीली शराब कांड हुई और सिवान, छपरा और गोपालगंज में शराब कांड से मृतकों का आंकड़ा 33 तक पहुंच चुका है, जबकि 30 से ज्यादा लोगों की हालत काफी गंभीर है। सवाल कई खड़े हो रहे हैं। शराबबंदी कानून लागू हुए 8 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, पर शराब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर शराबबंदी देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सफल क्यों नहीं होती। और इसीलिए आज हमारी चर्चा का विषय है कि शराबबंदी दुनिया में कामयाब क्यों नहीं होती, और इसी बड़े मुद्दे पर आज हम बहस करने जा रहे हैं। हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं, सबका परिचय कराएंगे। चलिए शुरू करते हैं इस बहस की, और सभी जो इस वक्त हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़े हैं उनको भी इस चर्चा में जोड़ेंगे और उनसे भी आपका परिचय कराएंगे। और इस वक्त हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, सभी का मैं रुख करना चाहूंगी और सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। शराबबंदी को लेकर लगातार अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से ये चर्चा की जाती रही है कि शराबबंदी सफल नहीं हो पा रही। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शराबबंदी लागू होना जरूरी है, बिहार में अनिवार्य है। सबसे पहले आप सभी से मैं छोटी छोटी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। सवाल यही होगा कि आज जो कुछ भी हो रहा है, आप लगातार न्यूज 18 बिहार झारखंड के माध्यम से खबरें देख रहे हैं, लोगों की चीख पुकार सुन रहे हैं, क्या हो रहा है ये सब? किनसे सवाल है आपका? तो तमाम जो शराबबंदी को लेकर जो चर्चा हो रही है उस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। और इसी के साथ सबसे पहला सवाल मेरा असित नाथ तिवारी, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ बने हुए हैं। असित नाथ जी, पहला सवाल आपसे ही है कि ये क्या हो रहा है? देखिए सुभी जी, दुनिया भर में हर मामले के लिए अलग अलग कानून बने हैं, लेकिन दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है जहां कानून टूटता ना हो और अपराध ना होते हों। जहां आंख के बदले आंख का कानून है वहां भी अपराधी घटनाएं होती हैं। कानून बन जाना इस बात की गारंटी नहीं है कि वो अपराध पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। शराबबंदी है बिहार में, बावजूद इसके शराब उपलब्ध है, लोग पी रहे हैं, मर रहे हैं। हमें इनकी मौतों का दुख भी है, सरकार को जो कदम उठाने हैं सरकार वो कदम भी उठाती है, पीड़ित परिवारों को मदद भी पहुंचाई जाती है। लेकिन मेरा एक प्रश्न है यहां बैठे सभी लोगों से, वो चाहे विवेक जी हों या आप सुभी, आप ही क्यों ना हों, नवल भाई हैं हमारे, श्याम सुंदर जी हैं और जो तमाम दर्शक हैं, क्या हम में से आप में से कोई ये चाहेगा कि हमारे आपके परिवार का कोई बच्चा, हमारा आपका भाई, हमारी आपकी बहन या हमारा बेटा, हमारा भतीजा, हमारी बेटी, भतीजी शराब पिए? क्या हम चाहेंगे कि कल को हमारे घर में जो हमारी बहू आए वो शराबी हो, या कोई जो हमारा दामाद बने वो शराबी हो? नहीं चाहेंगे ना, हम नहीं चाहेंगे। इसका मतलब है कि हम शराब को बुरी चीज मानते हैं। उनसे भी पूछ लेते हैं जरा, सर ये क्या हो रहा है? जब इसकी शुरुआत की गई थी तो आपने भी सहमति जताई थी, आरजेडी और साथ ही साथ जेडीयू की सरकार थी, महागठबंधन की सरकार थी, सबने मिलकर साझा ये निर्णय लिया था कि शराबबंदी बिहार में लागू होनी चाहिए। और जब लागू हो गई और ये दशा नजर आ रही है तब आप सवाल खड़े कर रहे हैं। सुभी जी, हम शामिल ही नहीं थे बल्कि हम लोगों के ही दबाव पर यह शराबबंदी लागू किया गया था। उसके पहले जो सरकार थी यहाँ पर एनडीए की, वह जो है सो हर जगह एकदम खुलिया, सबसे आसान हो गया था शराब का दुकान खुलना, इतना एकदम फ्री इसका पॉलिसी शुरू हो गया था कि जहां मंदिर है, स्कूल है, हर जगह जहां चाहिए हर चौक चौराहे पर शराब का दुकान खुलने लगा। तो राष्ट्रीय जनता दल नहीं, युवा विंग जो राष्ट्रीय जनता दल का है, युवा राजद ने इसके खिलाफ में आदरणीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ा था। और हम लोगों का मांग था कि मद्यालय नहीं पुस्तकालय चाहिए, शराब नहीं किताब चाहिए। और महागठबंधन की सरकार बनी तो शराबबंदी लागू हुआ, दूसरे दल भी जो भाजपा जो विपक्ष में जो भी पार्टियां थी उन लोगों का भी समर्थन मिला।
लेकिन कोई भी नीति लागू करने के पहले नियत अगर साफ नहीं है तो कोई भी नीति कारगर नहीं है। नवल शर्मा हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। नवल जी का आपकी बात मैं पूरी सुनूंगी, लेकिन उससे पहले रिएक्शन लेना जरूरी है, क्योंकि जो हो रहा है आप लोग बार बार एक ही बात की चर्चा करते हैं कि शराबबंदी नहीं होनी चाहिए थी, या अगर लागू की गई है तो उसकी समीक्षा होनी चाहिए। जेडीयू से नवल शर्मा जी, आपसे मेरा ये प्रश्न है कि समीक्षा की बात बार बार करते हैं, बार बार समीक्षा होती है लेकिन इस समस्या का समाधान नजर नहीं आ रहा, लोगों की जान जा रही है, चीख पुकार लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, ये क्या है? देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि आपने इसे एक समस्या बताया और चितरंजन गगन जी की समस्या है कि समीक्षा हो। आपको पता है कि बिहार में 2016 में जब शराबबंदी लागू हुई थी तो सभी दलों की सहमति थी उस पर। तो चितरंजन जी राजनीतिक लाभ हानि के चलते क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं यह मेरे लिए मुद्दा नहीं है। महत्वपूर्ण पहलू यह है कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सरकारी राजस्व का लालच छोड़कर समाज सुधार की दिशा में, समाज के अस्थायित्व की दिशा में, समाज में हो रही अव्यवस्था को दूर करने की दिशा में शराबबंदी जैसा बड़ा कदम उठाया जिसकी सराहना होनी चाहिए। देखिए, जब भी कोई व्यवस्था लागू होती है तो उस व्यवस्था में छेद करने वाले लोग भी समाज में मौजूद होते हैं। जैसे कई सारे कानून बने हुए हैं, कड़े कड़े कानून हैं, लेकिन हत्या तो रुक नहीं रही है। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब विक्रेताओं पर सरकार रासुका लगाने पर भी विचार की थी, गैंगस्टर एक्ट लगाने की बात हुई थी, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब से न जाने कितने लोग मरे और मर रहे हैं। भारत के सारे राज्यों में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो केवल बस मैं एक लाइन और बोलूंगा तो आप केवल तात्कालिकता के आधार पर इतने बड़े महत्व के सामाजिक कानून के व्यवहारिकता पर सवाल खड़ा नहीं कर सकते और होना भी नहीं किया जा सकता है सर, क्योंकि जान जा रही है, लोगों की आंखों की रोशनी जा रही है, और ये जो नियम, ये जो कानून बनाए गए हैं, इससे लोगों की जीवन पर असर पड़ रहा है और व्यापक तौर पर असर पड़ रहा है, क्योंकि आंकड़े आप भी देख रहे हैं, कल 9 लोगों की बात कर रहे थे, आज 32-33 आंकड़ा पहुंच चुका है। जी जी, मैं आपकी बातों का स्पष्टीकरण कर दूं। जो भी व्यक्ति इस दुर्घटना में पीड़ित हैं या जो मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, उन सबके प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है, हम सभी उनके साथ खड़े हैं, पूरी प्रशासनिक मशीनरी उनके साथ खड़ी है। लेकिन फिर वही सवाल पैदा होता है कि आखिर आप शराबबंदी को देखने का नजरिया आपका कैसा है। अभी असित नाथ तिवारी जी ने बड़ा मौलिक सवाल पूछा कि कौन व्यक्ति चाहेगा कि मेरे घर में कोई शराब पीने वाला व्यक्ति रहे। विरोधी भले यह तर्क दे लें कि सरकारी राजस्व की भी क्षति हो रही है, बिहार में शराब की बिक्री हो रही है, तो आप कोई एक व्यवस्था बताइए जिस व्यवस्था को तोड़ने वाले लोग समाज में मौजूद न होते हों। हमारे मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि असामाजिक तत्वों से लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। तो जनता की आप, नवल शर्मा जी, आप ही बताइए कि जब बार बार एक ही तरह की चर्चा की जाती है कि शराबबंदी की समीक्षा होगी, समस्या का समाधान होगा, लोगों की जान जाने से रोका जाएगा, व्यापक तौर पर तैयारियां की जाती है, ड्रोन कैमरे से तस्करों पर नजर रखी जाती है, लेकिन बावजूद आपकी तमाम कोशिशें विफल नजर आ रही है, लोगों की जान लगातार जा रही है, 2016 से लेकर 2024 तक के आंकड़े लगातार हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और इन आंकड़ों में अस्पष्ट समझ में आ रहा है कि तस्कर लगातार तस्करी कर रहे हैं, जहरीली शराब का सेवन किया जा रहा है और इस पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है। बड़ा वाजिब सवाल पूछा आपने। देखिए, है क्या कि आप पहले इस सवाल का जवाब दें कि क्या शराबबंदी और जहरीली शराब कांड दोनों के बीच में कोई सीधा संबंध है? बिल्कुल संबंध है, तस्कर उस तरह की। मेरी बात सुन लीजिए, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। मेरे हिसाब से कोई संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि जब बिहार में शराबबंदी लागू नहीं हुई थी तब क्या बिहार में जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु नहीं होती थी? एक दूसरी बात यह कि भारत के जिन राज्यों में शराबबंदी लागू नहीं है क्या उन राज्यों में जहरीली शराब पीने से लोगों की मृत्यु नहीं होती है? एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 6 वर्षों में पूरे देश में जहरीली शराब पीने से 7,000 लोगों की मृत्यु हुई है। तो आप जहरीली शराब को शराबबंदी से कैसे कोरिलेट कर रही हैं? लेकिन सर, जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि आंकड़े एनसीआरबी के रिपोर्ट में और ज्यादा हो जाएं?
चलिए हमारे साथ इस वक्त बड़े में एक पक्षी आरोप लगा रहे हैं। मैं आपको रोकना चाहूंगी, श्याम सुंदर शरण प्रवक्ता हमसे हमारे साथ बने हुए। आपके जो अध्यक्ष हैं जीतन राम मांझी बार बार कहते हैं कि शराबबंदी को खत्म कर देना चाहिए, आप क्या इस पर प्रतिक्रिया देंगे? ये मौतों का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, एक बात आपने गलत कह दिया कि जीतन राम मांझी जी ने, हमारे नेता जो हैं, उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि शराबबंदी खत्म होनी चाहिए। उन्होंने कई बार शराबबंदी की समीक्षा की बात की और कई बार समीक्षा हुई है, बिहार सरकार ने कई बार समीक्षा की और उस पर बहुत सारे सुधार हुए हैं। रहा सवाल जहां तक इस कांड की आप चर्चा कर रहे हैं, यह हम लोगों के लिए भी चिंताजनक है और पूरे सभ्य समाज के लिए चिंताजनक है कि किसी भी तरह की मौत ना हो, किसी बीमारी से मौत ना हो, किसी एक्सीडेंट से मौत ना हो, कोई ऐसी घटना से मौत ना हो। लेकिन जहां तक शराबबंदी का सवाल है तो ठीक है, जितनी मौतें हुई हैं, दूसरी ओर आंकड़ा आप उठाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि समाज में कितने लोगों के जीवन को बदल दिया गया है, कितने महिलाओं का जीवन जो नरक से बदतर होता था वो आज बदल गया, कितने बच्चों की जो जिंदगी नरक से बदतर हो गई थी उनकी जिंदगी आज बदल गई। आज जो दलित बस्ती में आप जाएं या और भी जो निर्धन परिवार है उनकी बस्तियों में जाएं तो वहां के जीवन में क्या बदलाव हुए हैं। हमको लगता है कि आप मीडिया बंधुओं को भी इसकी एक समीक्षा करनी चाहिए कि आखिर ठीक है, ठीक तो कहा नवल बाबू ने कि कई ऐसे राज्य हैं, अभी आप तमिलनाडु का उदाहरण ले लीजिए, पिछले ही जून में 24 जून को घटना घटी और 54 से ज्यादा लोग मारे गए, 142 लोग अस्पताल में गए, कितने लोग आंकड़े हम लगातार अपने दर्शकों को सुना रहे हैं, दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन ये आज बहस का विषय नहीं है। बहुत संवेदनशील मामला है, गंभीर मामला है, हम सिर्फ समाधान पर चर्चा करेंगे। देश भर में, दुनिया भर में जहां भी शराबबंदी लागू हुई है वहां पर इस तरह के आंकड़े सामने आए हैं, समाधान क्या है ये आप लोग ही बता दीजिए। बहस इसीलिए कह रहे हैं ना कि बहस का विषय है कि शराबबंदी के कारण इस तरह की मौतें हो रही हैं या जहरीली शराब जो परोसने वाले लोग हैं या जो इस तरह की का कारनामा होता है जहां भी होता है तो उसमें इसमें क्या मतलब दोनों में रिश्ता है? कुछ नहीं है। इस तरह की कोई भी ऐसी चीज नहीं है, दुनिया में कोई ऐसा कानून नहीं, दुनिया में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। आप देखते हो कि दुनिया में किस तरह से ड्रग्स का धंधा हो रहा है, क्या उसमें तमाम तरह के जो कानून है वो लागू नहीं है? इससे विवेक कुमार जा रहा है, रोज जा रहा है। विवेक कुमार का रुख करूंगी, विवेक जी आप ही इस समस्या का समाधान बताइए। आज प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया और ये कहा कि इससे सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों को फायदा मिल रहा है, नेताओं को फायदा मिल रहा है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सुभी जी, आपके जो डिबेट का जो टाइटल है वो बहुत अच्छा है। बिहार की जनता को जानना चाहिए कि शराबबंदी दुनिया में कहीं कामयाब क्यों नहीं है, इसका कारण है पॉलिसी जो बनता है वो बिहार की जनता या किसी राज्य की जनता के लिए बनता है। वो पॉलिसी बिना किसी एविडेंस के आप बनाएंगे, आपके मन में जो आएगा वो आप करेंगे, उससे पॉलिसी बनती नहीं है। यही सरकार, नीतीश जी की सरकार ने 2005 में लिबरलाइज किया लिकर पॉलिसी को और 500 करोड़ से जो रेवेन्यू है उसको पहुंचा दिया 5000 करोड़ 10 साल में और उन्होंने आप शराब बंद कर दिया है। मैं आपको बताता हूं समाधान, एक समाधान तो यह है कि अगले साल जनता की सरकार, जनता ने मन बना लिया है, जंतुराज की सरकार आएगी और शराबबंदी को एक घंटे में हटा देंगे। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो, दो मिनट दीजिएगा समझने के लिए, जो सरकार बता रही है कि शराबबंदी के क्या फायदे हैं मैं वो बताता हूं। शराबबंदी से बता रहे हैं लोग कि शराब बंद है, लोग शराब नहीं पी रहे हैं, तो अब आप जान रहे हैं कि घर घर लोग पी रहे हैं, शहर में अमीर लोग सिंगल मॉल्ट पी रहे हैं, उनको कोई नहीं पकड़ रहा है। और आंकड़े की बात जो कर रहे हैं, जितने लोग जेल में हैं सुभी जी उसमें 30% महादलित अति पिछड़े लोग हैं, 6.5 लाख लोग पे केस हुआ है, 1.5 लाख लोग जेल में हैं, उसमें 27% अति पिछड़ों की राजनीति करने वाले लोग, समाजवाद के पुरोधा, अति पिछड़ों को राजनीति में भागीदारी नहीं बढ़ी लेकिन अति पिछड़ों की भागीदारी जेल में, गरीबी में, पलायन में रोज बढ़ रही है, तो इस बात को समझिए। दूसरा, महिलाओं पे बोलते हैं कि शोषण कम हो गया है, एक मिनट रुक जाइए, महिलाओं पे शोषण कम हो गया है, प्रशांत किशोर जी पिछले 2 साल से गांव में चल रहे हैं, हम लोग गांव में जा रहे हैं, मैं इस डिबेट के माध्यम से चुनौती देता हूं, उस डिबेट के बाद 10 गांव अपने मन का चुन लीजिए और किसी भी दलित के घर में चल लीजिए, जो 200 का शराब था वो 400 में पी रहे हैं, आर्थिक बोझ बढ़ गया है, अब वो महिलाएं जेल में जा रही हैं, अपने पति अपने भाई भतीजे को बचाने के लिए कागज दिखा रही हैं, पैसा नहीं है तो जो भी उनके पास है उसको बेच रही हैं। दूसरा, तीसरा, शराब तो बिक रहा है, वही शराब अवैध तरीके से बिक रहा है, जो बच्चे के बैग में कलम होना चाहिए, कॉपी होना चाहिए, उनके बैगों में अब शराब की बोतलें जा रही हैं, तो शराब रुका नहीं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, समाधान क्या है? आपको शराब नहीं पीना चाहिए,
सुभी जी शराब भी नहीं पीना चाहिए, सिगरेट भी नहीं पीना चाहिए, गुटखा भी नहीं खाना चाहिए और नॉनवेज भी नहीं खाना चाहिए। गांधी जी कहते हैं नॉनवेज का भी नेगेटिव इफेक्ट है, यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, घुटना में दर्द होता है। तो क्या इस पे रूल बना दिया जाए कि जो नॉनवेज खाएगा उसको जेल में डाल दें? इस पे नियम बना दिया? नहीं बनाएंगे नियम। आपको हम बता रहे हैं कि शराब जो है उसको आप कम कराइए, सामाजिक स्तर पर जागरूक हो गया, भाषण हो गया, भाषण हो गया, एक मिनट रुक जाइए, अब लगातार ये भाषण देते जाएंगे तो ऐसे थोड़ी चलता है। एक मिनट और आपसे बस, ये देखिए बहस है, बहस है, साहित्य का क्लास में आपको आपका शरण जी क्या जवाब देना चाहेंगे? आपने सुना विवेक जी की बातों को, सुभी जी जवाब इनको चुप कराइए तब देना। ये जिनकी बात कर रहे हैं 30 सेकंड, अरे भाई विवेक भाई हो गया, हो गया, दीजिए 30 सेकंड, 30 सेकंड। आपको उस समय मुख्यमंत्री के सलाहकार बने बैठे थे, आज जो जन सुराज के पैरोकार ये बने हैं, क्या कह रहे हैं? आज जिस जन सुराज के पैरोकार बने उसके मुखिया उस समय मुख्यमंत्री के सलाहकार थे और ये उसका पूरा श्रेय लेते थे कि हमने ये कराया है। आज इनको उस पर अलग ज्ञान प्राप्ति हो गई है। रहा सवाल जो ये शराबबंदी खत्म करके शराब चालू कराना चाहते हैं, दरअसल चुनाव में चंदा लेना चाहते हैं वैसे शराब कंपनियों से, दुनिया की या देश की जो शराब कंपनियां हैं उनसे चंदा लेना चाहते हैं, चुंगी वसूलना चाहते हैं। और कौन मानसिकता है? ये बहुत गंभीर मामला है, संवेदनशील मामला है, लोगों की जान जाती है और आप राजनीति कर रहे हैं, फैला रहे हैं कि शराब पियो और अच्छे से जियो। वाह, लाइव टीवी पर एक्सपोज हो गए, लाइव टीवी पर एक्सपोज। शराब की सवाल आपसे है, ठेका ले रखे हैं और इनके जो पुरोधा हैं, क्या एनडीए की सरकार ने 2005 में श्याम सुंदर शरण जी, श्याम सुंदर शरण जी और भी आप बताइए ना कि किसने बंद कराने का श्रेय लिया? आज कुछ पड़ेगा, इनके आज कुछ और बोल रहे हैं सुभी जी, डिबेट के बाद इनके डांट पड़ेगा। हमारे यहाँ कोई प्राइवेट कंपनी है, हमारे यहाँ कोई, हमारे यहाँ कोई शरण जी आपको मैं रोकना चाहूंगी, ये बहस बहुत ही संवेदनशील मामले पे है, मुझे आपकी आवाज कम करनी होगी, इस तरह से बहस नहीं होती है, ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। क्या आप लोग यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं? कम कीजिए, पर्सनल रिमार्क मत दीजिए, पर्सनल रिमार्क मत दीजिए, मल्ल युद्ध कर रहे हैं। चित्रंजन गगन जी हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता जुड़े हुए, चित्रंजन जी जवाब दीजिए, बार बार समीक्षा की बात की जाती है, जब इसे लागू करने की बात आई थी उस वक्त आप लोगों ने हामी भरी, आपने खुद कहा कि हमारे ही निर्देश पर इस तरह के फैसले लिए गए थे, तो अब क्या ये जो बार बार मौत के आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो चीख पुकार आप सुन रहे हैं बार बार, अब आप ये कह रहे हैं कि शराबबंदी खत्म कर दी जाए, उस समय समाधान क्यों नहीं नजर आ रहा था? सुभी जी, उनके बच्चा तो बना बैठा दिए जो कि इसको उनको उनके साथ कुछ अलग, और हमको तो समय आप कैसे आपको याद आ गया। देखिए मैंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के दबाव में महागठबंधन की सरकार जब बनी तो शराबबंदी लागू हो गया। उसके पहले तो लिबरल, जैसा कि अभी साथी कर रहे थे प्रशांत किशोर जी के, जो महात्मा गांधी का फोटो भी रखते हैं और कहते हैं कि शराबबंदी नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने एक बात सही कहा कि जो है सो यह सरकार एनडीए की सरकार जो है सो खुला छूट दे दी एकदम, कि जो है सो जहां मन करे तहां शराब का दुकान खोली। सवाल यह है कि कोई भी नीति अगर लागू करने वाले का नियत अगर साफ नहीं होता है तो कोई भी नीति कारगर नहीं होता। आपने कहा कि इसका समाधान क्या है, समाधान कैसे निकलेगा जबकि सत्ता में बैठे हुए लोग सत्ता के संरक्षण में ही जो है सो शराब का पैरेलल कारोबार चल रहा है, पैरेलल इकोनॉमी चल रही है बिहार में, और जो है सो आप अपेक्षा करते हैं कि अब बंद हो, कैसे संभव है? आपने मैं ये सब चलाने वाले इन्हीं के आका हैं, सुन लीजिए सुभी जी, समीक्षा होती है 30 साल से आपको, और समीक्षा में निर्णय लिया गया कि जिस जिला में शराब पकड़ी जाएगी उस जिला के डीएम और एसपी के खिलाफ कार्रवाई होगी, जहां पर शराब से मौत होगी वहां के जिला अधिकारी और जिला पुलिस अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन होता क्या है, आज भी वहाँ छपरा में, सिवान में, गोपालगंज में लगभग 36 से ज्यादा लोग। वाकई चित्रंजन गगन जी, जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, नवल शर्मा जी से हम जवाब लेना चाहेंगे क्योंकि ये सत्ता पक्ष के हैं, इनसे जवाब लेना जरूरी है, इस समस्या का समाधान आप बता दीजिए, इतना संवेदनशील मामला इतनी गंभीरता से इस चीज को लेना चाहिए, अभी आप दो दो एसआईटी टीम का गठन कर रहे हैं, ये सतर्कता पहले क्यों नहीं बढ़ती जाती है? नवल शर्मा जी, नहीं हो रही है, सरकार
आप कहते हैं कि शराबबंदी लागू। जरा चितरंजन जी को चुप करिए। चितरंजन जी अब रुकिए, अब जवाब भी सुन लीजिए, सरकार क्या कह रही है। अब जेडीयू से हैं ये नवल शर्मा जी, को सुनिए। कर रहे हैं जी 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 बोलिए। चितरंजन जी सुन लीजिए, मैं आपकी बात को काट नहीं रहा था। सबसे पहले मैं जन स्वराज के जो प्रवक्ता हैं, बस मैं एक लाइन इनके बारे में बोलूंगा कि बिहार की जनता की अदालत में हम सभी बैठे हैं और बिहार की जनता देख रही है कि एक ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं जिन्होंने सरकारी रेवेन्यू को लात मारकर केवल बिहार की महिलाओं और बिहार के गरीब दलितों और अति पिछड़ों की खुशी के लिए, ताकि उनके घर में खुशी और शांति रहे, इतना बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया। वहीं उनके बरक्स नीतीश कुमार जी के बरक्स ये प्रशांत किशोर जी के प्रवक्ता ये ऐतिहासिक निर्णय तो ले लिया गया, लेकिन इसका समाधान नजर नहीं आ रहा है। बहुत सारी कोशिशें सरकार की तरफ से की जा रही है, लेकिन शराबबंदी हर स्तर पर विफल नजर आ रही है। लगातार देश दुनिया की अलग अलग जगहों की चर्चा की जाए, यहाँ तक कि भारत राज्य, भारत के अंतर्गत भी जितने राज्य हैं वहां पर शराबबंदी विफल नजर आ रही है। और ये आंकड़े बहुत ही डरावने हैं, डराने वाले हैं। ये बहुत ही संवेदनशील और गंभीरता वाला विषय है। शराबबंदी की एक बार नहीं बल्कि कई दफा समीक्षा की जानी चाहिए कि क्या वाकई शराबबंदी सफल धरातल पर नजर आ रही है या नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बहस को यहीं पर रोकते हैं। आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।